तो भाई फाइनली एक महीने के ब्रेक के बाद वापस से शुरू होने वाला है इंडिया में क्रिकेट का त्योहार, जहां इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज का पहला टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। लेकिन 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 मैं जानता हूं कि तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो कि आखिर ये टेस्ट मैच शुरू कब होगा और शुरू होगा तो खत्म कब होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि हम ये टेस्ट मैच देख कहां सकते हैं। तो चिंता नहीं करने का, भाई बैठा है ना, सब बताएगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। तो सबसे पहले अगर बात करें इस सवाल की कि ये मैच शुरू कब होगा, तो भाई देखो जो पहला सेशन है वो 7:30 बजे शाम को शुरू होगा, 9:30 बजे तक चलेगा। दूसरा सेशन 10:10 पे शुरू होगा और 12:10 तक चलेगा। तीसरा सेशन रात के 12:30 बजे शुरू होगा और खत्म होगा 2:30 बजे, यानी कि जो मैच खत्म होगा वो खत्म होगा 2:30 बजे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब बारी आती है दूसरे सवाल की कि ये मैच आखिर हम देख कहां सकते हैं। तो भाई देखो, पहले तो अगर टीवी में देखना चाहते हो तो ये मैच स्टार स्पोर्ट्स पे नहीं आने वाला है, ना ही सोनी नेटवर्क पे आने वाला है। ये मैच आपको देखने मिलेगा भैया सरकारी चैनल पे, यानी कि डीडी के नेटवर्क पे। और अगर भैया टीवी से हटके तुम इसको ऑनलाइन देखना चाहते हो तो फैन कोर्ट पे भी देख सकते हो और साथ ही साथ जियो सिनेमा भी देख सकते हो। तो बस भैया जब जियो सिनेमा पे आ रहा है तो दिक्कत की क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। पर अब बारी आती है तुम्हें वो बताने की जो कल के दिन रोहित शर्मा ने मैच शुरू होने से पहले रिवील कर दिया है, कि आज के दिन इंडिया के लिए जो दो लोग ओपनिंग करेंगे वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल नहीं होंगे, बल्कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल होंगे। यानी कि ये कंफर्म हो चुका है कि पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल में से जिस एक बैट्समैन का डेब्यू होगा वो यशस्वी जायसवाल होंगे। और डेब्यू सिर्फ मैच के तौर पर नहीं होगा, बल्कि इंडिया के लिए जो ओपनिंग डेब्यू करेंगे वो भी जायसवाल ही करेंगे, और गिल जो खेलेंगे वो खेलेंगे फर्स्ट डाउन पे। जिसके बारे में रोहित शर्मा कहते हैं कि गिल की राहुल द्रविड़ से एक लंबी बात चली है और राहुल द्रविड़ एक लंबे वक्त तक फर्स्ट डाउन पे खेले हैं, तो राहुल द्रविड़ का मानना है कि गिल जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक ओपनर से बेहतर फर्स्ट डाउन पे खेल सकते हैं, जहां पे वो टीम के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया एक्सपेरिमेंट आज से इंडियन टीम करने वाली है वो पूरे तरीके से सफल हो, यशस्वी जायसवाल का ये जो डेब्यू है एकदम शानदार रहे और वहीं पे जो गिल हैं वो फर्स्ट डाउन पे एक अच्छी पारी खेलें, जिससे भैया आने वाले वक्त में जब इंडिया WTC के फाइनल में जाए तो ऐसा खेले कि सिर्फ जाए नहीं बल्कि WTC फाइनल को जीत के भी आए। ये तो होगा। बाकी देखो आज के मैच में गिल क्या करते हैं, जायसवाल क्या करते हैं, वो तो वक्त बता ही देगा, लेकिन सेम टाइम पे जितना जरूरी इन दोनों का चलना है उतना ही जरूरी चलना है रोहित शर्मा का, विराट कोहली का और अजिंक्य रहाणे का, क्योंकि भैया इन तीनों का चलना इसलिए जरूरी है, पहले सबसे भैया एक्सपीरियंस प्लेयर है, और सेम टाइम पे रोहित शर्मा और विराट कोहली चलते हैं तो खुशी मिलती है, मैच देखने मजा आता है, इस दुख के साथ मैच को नहीं देखना पड़ता है कि यार रोहित ने रन नहीं मारे हैं, कोहली भाई आउट हो गए हैं। तो ये दोनों अगर चलेंगे तो मैच देखने में एक फील आएगा। और जहां बात आती है अजिंक्य रहाणे की, तो उसके लिए रीजन मैं कई बार दे चुका हूं कि जब भी रोहित शर्मा कैप्टेंसी आने वाले वक्त में छोड़ेंगे तो एक रहाणे ही हैं जो सबसे बेस्ट चॉइस यहां पे लग रहे हैं। हालांकि कोहली अगर बनना चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन भैया वो बनेंगे नहीं हम जानते हैं। तो रोहित के बाद रहाणे एक अच्छे कैप्टन बन सकते हैं, लेकिन अगर उनको आने वाले वक्त में इंडियन टीम की कैप्टेंसी करनी है तो जरूरी है कि उनको एज अ बैट्समैन अपनी जगह को पक्का करना होगा, और पक्का करना है तो भैया इन मैचेस में चलना होगा। आपको क्या लगता है कि इस टेस्ट मैच में भैया सबसे बेहतरीन बैट्समैन कौन बनेगा, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है सही है, गिल को फर्स्ट डाउन पे भेजना और जायसवाल को ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ भेजना, जो भी डिसीजन से एग्री करता है वो भी कमेंट में जरूर बताएं। ओके। बाकी कल के दिन हमारे सामने इंडियन टेस्ट टीम की जर्सी भी रिवील होती है, जहां देखने को मिलता है कि भैया ड्रीम 11 का जो लोगो है बिल्कुल सेंटर में आ चुका है जर्सी के। लेकिन बवाल यहां पे ये मस्ता है कि जैसे ही ये जर्सी रिवील होती है चारों तरफ इंडिया से भैया लोग BCCI को ट्रॉल करने लगते हैं कि ये क्या बना दिए हो। असल में लोग ये कहना चाह रहे थे कि जो WTC में इंडिया ने जर्सी पहनी थी क्या सेक्सी लग रही थी, मस्त सेंटर पे इंडिया लिखा हुआ था, क्या फील आ रहा था। लेकिन ये देखो BCCI वालों, कितने तुम बेशरम हो कि इंडिया हटा के तुमने ड्रीम 11 लगा लिया, वो भी पैसों के लिए। तो भाई देखो ये थोड़ी सी गलत फहमी उन लोगों की, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये जो सेंटर पे इंडिया लिखा जाता है या देश का नाम लिखा जाता है ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है WTC में होता है। ये पहले भी हुआ था 2021 में, ये 2023 में भी हुआ था, और सिर्फ इंडिया ने
नहीं किया था, दूसरी टीमों ने भी किया था। और वहीं पे जब नॉर्मल मैचेस हो रहे होते हैं, बायलेटरल सीरीज हो रही होती है, तो हर टीम का आप जर्सी यहां पे देख सकते हैं, उनके सेंटर पे लोगो ही होता है, स्पॉन्सर का नाम ही होता है, तो दिक्कत ही कोई बात नहीं है। नॉर्मल मैचेस में कोई भी यहां पे इंडिया लिखा नहीं रहता या कंट्री का नाम नहीं लिखा रहता है। हां चाहे तो शायद लिख सकता है, लेकिन भाई स्पॉन्सर वगैरह तो चाहिए ही होते हैं हर टीम को, क्योंकि जितने स्पॉन्सर होंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, जितना पैसा मिलेगा उतना आपका बोर्ड जो है वो मजबूत होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और हां आज के दिन जब आप इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा है ये पहला टेस्ट मैच देख रहे होगे, तो इस बात को अपने दिमाग में रखना कि आज के इस मैच से WTC की जो नेक्स्ट साइकिल है वो स्टार्ट होने वाली है, ये उस साइकिल का पहला मैच है। तो यहां से जैसे जैसे इंडिया जीतती जाएगी तो WTC आने वाले WTC की जो साइकिल है उसमें इंडिया की रैंक पे फर्क पड़ेगा। तो जरूरी है कि भैया यहां से जो जो टेस्ट मैच इंडिया खेले मस्त भैया उसको जीतती जाए। और देखो अगर रोहित शर्मा इस मैच में कैप्टन है तो इस बात को आप लिख लीजिए कि अगली WTC साइकिल तक 99% ये कंफर्म है कि रोहित शर्मा ही टीम के कैप्टन होंगे, जब तक बल्ले से कुछ बहुत ही बुरा ना हो जाए, जो कि हम उम्मीद करते हैं, जो कि हम प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई आज से सभी लोग सुबह सुबह पूजा एकदम करके बैठना कि आज से जो ये टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, यहां से लेकर WTC की साइकिल के फाइनल तक इंडिया लगातार बस जीतती जाए, चाहे रोहित शर्मा कैप्टन रहे या कोई और रहे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा भैया जब प्रार्थना कर ही रहे होगे तो ये भी प्रार्थना करना कि रोहित शर्मा ही कैप्टन रहे, विराट कोहली तब तक खेलते रहे, वो तो अगली साइकिल तक भी खेलते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा अपनी कैप्टेंसी में इंडिया को अगली WTC जिताएं, आने वाला जो वर्ल्ड कप 2023 है वो भी इंडिया को जिताएं। क्योंकि अगर भैया रोहित शर्मा अपनी कैप्टेंसी में WTC जिताएंगे या वर्ल्ड कप 2023 जिताएंगे, खुशी देखो सभी को मिलेगी, सारे प्लेयर्स को मिलेगी, हम इंडियंस को मिलेगी। तो बेकार में ये हीन भावना रख के प्लीज आप रोहित शर्मा के पीछे मत पड़िएगा कि भाई ये जीत गया तो विराट कोहली को लोग ट्रॉल करेंगे या धोनी के बारे में ये नहीं कह पाएंगे कि भैया धोनी था जिन सबको जिताया था। भाई देखो ये सोच के बैठोगे तो इंडिया कभी भी कुछ नहीं जीतेगा। तो प्लीज भैया एकदम पॉजिटिव होकर आज से बैठिए और जो भी मैच इंडिया खेलने वाली है सब में इंडिया को जिताना है, हर प्लेयर को चलाना है, यही सोच के मैच देखिएगा। बाकी देखो जहां प्लेयर की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं कि आज के मैच में अश्विन भैया आपको खेलते हुए दिखेंगे, जिनको बेकार में WTC का फाइनल नहीं खिलाया गया था। तो आज जब अश्विन खेल रहे होंगे तो उन्हें मात्र 3 विकेट चाहिए होंगे 700 विकेट कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही वो गोट हैं और जैसे ही ये करेंगे तो और बड़े गोट बन जाएंगे। खैर कौन आपको लगता है कि आज के मैच में सबसे, या आज के मैच में नहीं, आज तो भैया पहला दिन है, इस पूरे टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन मारेगा और सबसे ज्यादा विकेट लेगा? आपके जहन में जो भी नाम आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि जो शुभमन गिल को फर्स्ट डाउन भेजा जा रहा है और यशस्वी और रोहित से ओपनिंग कराई जा रही है, क्या आपके हिसाब से एक्सपेरिमेंट सही साबित होगा? प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है ये भी कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। चलो भाई, तो उनका नाम है उमर तारिक, जो पूछते हैं, ब्रो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई वॉच योर वीडियोस रेगुलरली, माय क्वेश्चन इज, जैसा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 खेलना इंडिया आ जाता है लेकिन इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाता, तो पाकिस्तान भी इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 और ODI वर्ल्ड कप 2031 खेलने इंडिया नहीं जाएगा तो नुकसान दोनों कंट्रीज को होगा? तो भाई सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने पाकिस्तान से बहुत ही स्वीट सवाल पूछ रखा है। लेकिन जहां तक बात आती है कि अगर इंडिया जो है वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान नहीं जाता है, जो कि अभी एशिया कप में ऑलरेडी नहीं जा रहा है, तो पाकिस्तान भी आने वाले वक्त में इंडिया नहीं आएगा, जो कि फिलहाल पाकिस्तान बीच बीच में धमकाता रहता है कि वो 2023 ODI वर्ल्ड कप खेलने ही नहीं आएगा, तो इन चीजों से जो नुकसान है वो दोनों को होगा। तो इस सवाल का जवाब यह है कि दोनों को नहीं होगा। जाहिर सी बात है हर किसी को पता है कि पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि BCCI को तो देखो फाइनेंशियल लेवल पे कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि BCCI के बोर्ड के पास इतना पैसा है कि वो 21 पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड अपने पास रख सकता है, यानी कि खरीद सकता है, यानी कि BCCI के बजट में 21 PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन सकते हैं, तो भारत को तो क्या ही नुकसान होने वाला है। और देखो पाकिस्तान को नुकसान इसलिए होगा, मान लो पाकिस्तान कहता है कि वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, पहले तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, भारत एक बार भी ये नहीं कहेगा कि आओ 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 आओ, जैसा कि लेकिन हमने एशिया कप में देखा, जब भारत ने मना किया कि हम एशिया कप खेलने
खेलने नहीं आएंगे तो पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ था। आओ 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 आओ, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इंडिया के आने से उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा होगा। और वहीं पे जब जब पाकिस्तान ने मना किया है कि हम नहीं आएंगे, एक बार भी आपको इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला होगा कि आओ 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 आओ, ऐसा कुछ नहीं कहा इंडिया ने। इंडिया का सिंपल सा रूल है, देखो हम तो नहीं आएंगे, तुम्हें अगर नहीं आना है तो मत आओ। और देखो ये जो आने वाली टूर्नामेंट्स है ना, जैसे आपने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है जो पाकिस्तान में होनी है, तो चिंता ना करें भाई, जैसे एशिया कप में इंडिया के मैचेस और बाकी टीमों के मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो ऐसा ही चैंपियंस ट्रॉफी के साथ होगा। जो बीसीसीआई, जैसा मैंने कहा कि जिसके पास बहुत पैसा है, उसका आईसीसी में थोड़ा सा भौकाल चलता है, अगर भारत कहेगा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो बाकी टीमें और आईसीसी जो है उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हटा के कहीं और कर दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और आप पाकिस्तान के हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो आपको मैं यहां पे सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपकी कभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से या पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से बात हो, तो इस बारे में उनसे जरा कहिएगा कि आप जब इस मसले में पड़ते हैं कि भैया हम नहीं जाएंगे तुम आओ, इससे अच्छा आप इस बारे में विचार करिए कि ऐसा आप में क्या कमी है, ऐसा आपके देश में क्या कमी है कि लोग वहां आने से कतरा रहे हैं। तो पहले दिमाग उस चीज पर लगाइए कि उन चीजों को कैसे दूर करें, उसके बाद देखिए बाकी टीमें, क्या भारत भी शायद आ जाए, और आता है नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। खैर वक्त कुछ बताए ना बताए, प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज का, फटाक से जाइए फॉलो करिए, रोज कहते हैं रोज नई नई रील्स डाल रहे हैं, और मन में कोई सवाल है तो भैया फटाक से सवाल भेजना स्टार्ट करिए। अब तो भैया पाकिस्तान से सवाल आने लग गए हैं, बाकी छोटे मोटे देशों से भी आने लगते हैं, खासकर एशिया के हैं, तो आप लोग क्यों परहेज कर रहे हैं, जाइए सवाल भेजिए, फॉलो करिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।